गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्रता दिवस है। यूँ तो हमारे देश को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को ही मिल गई थी, बट यहाँ पे जो है संविधान नहीं था, कोई नियम कानून नहीं था, तो इस कारण यहाँ संविधान बनाया गया। दूसरे दूसरे देशों से मिलाकर यहाँ पे जो है संविधान बना और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया इसी तरीके से। तो आज इस वीडियो में हम उसी से रिलेटेड 25+ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे, ताकि आपको यहाँ से जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए वो सारे क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है, 2020 में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं गणतंत्र दिवस की, बिकॉज यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो 2020 में 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि भारत में पहली बार गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था, तो सबसे पहली बार भारत में जो गणतंत्र दिवस मनाई गई यानी रिपब्लिक डे मनाई गई, वो आपकी मनाई गई थी यहाँ पे 1950 को, ऑप्शन नंबर बी। इसकी डेट यहाँ पे थी 26 जनवरी 1950। उसके बाद अब आपका आ चुका है यहाँ पे क्या, तो 2020, तो ये आपका 71वां गणतंत्र दिवस इस बार मन रहा है। फिर अगर हम बात करते हैं तो 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है, तो इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्वतंत्रता दिवस हम 15 अगस्त को मनाते हैं, एंड जो गांधी जयंती है वो हम मनाते हैं 2 अक्टूबर को। गांधी जी की जन्म जो हुई थी 2 अक्टूबर 1869 को हुई थी। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो प्रथम भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो सबसे पहले जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर ए। ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर कह रहा है गणतंत्र दिवस के परेड में राष्ट्रपति को कितनी तोपों की सलामी दी जाती है, तो ये जो आपको इस दिन परेड होती है उसमें राष्ट्रपति यानी इंडियन प्रेसिडेंट को जो है 21 तोपों को की सलामी दी जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो गणतंत्र दिवस के दिन राजपथ पर कौन सलामी देता है या देते हैं, तो इस दिन जो है राजपथ पर सलामी देते हैं, आप इसे कर लोगे तो ये देते हैं भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और अभी आप सभी को पता होगा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद, तो राजपथ पर इस बारी सलामी देंगे रामनाथ कोविंद। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि राज्यों के राजधानी में कौन झंडा फहराते हैं, तो राष्ट्रपति के समकालीन होते हैं राज्यपाल, तो राज्यों के राजधानी में जो झंडा फहराते हैं वो राज्यपाल फहराते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड कहाँ से शुरू होती है, तो यह जो परेड शुरू होती है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है, ऑप्शन नंबर सी। बीटिंग स्ट्रीट समारोह कहाँ आयोजित होता है, तो बीटिंग स्ट्रीट समारोह का आयोजन विजय चौक में होता है, ऑप्शन नंबर ए। उसी तरीके से अगर हम अगले सवाल की यहाँ पे बात करते हैं तो भारतीय संविधान के पिता कौन कहलाते हैं, तो संविधान के पिता भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही कहलाते हैं, और इन्होंने ही संविधान का आत्मा, भारत के संविधान के आत्मा, ये सारे चीज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा है। फिर अगर बोले कि प्रथम गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के थे या फिर कौन थे, तो प्रथम गणतंत्र दिवस जो आपकी मनी उसमें मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा जो इस बार गणतंत्र दिवस मन रही है आपकी 71वीं 2020 में, उसके मुख्य अतिथि होने वाले हैं आपके ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो, जिसे कि ब्रिक्स सम्मेलन में जब हमारे प्रधानमंत्री गए थे ब्राजील, तो उन्होंने ही वहाँ के राष्ट्रपति को 71वें गणतंत्र दिवस में आने का न्योता दिया था, तो वो जो है ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ही इसके मुख्य अतिथि हैं। इसके पहले के साल की बात करते हैं तो उसमें दक्षिण अफ्रीका के सिरिल रामफोसा जो थे मुख्य अतिथि थे। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो भारतीय संविधान को किन किन भाषाओं में लिखा गया था, तो इसे 2 भाषाओं में लिखी गई थी, हिंदी और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। उसी तरीके से संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था, तो यह जो है 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में बनके तैयार हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसे बनने में आपको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था, यानी कब यह बनकर तैयार हुआ था, यूं तो यह लागू हुआ था बहुत बाद में, बट जब यह अंगीकृत हुआ था वह हुआ था 26 नवंबर 1949 को, बट इसे पूर्णतया लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा
संविधान कहाँ का है? तो सबसे बड़ा लिखित संविधान जो है भारत का है, ऑप्शन नंबर सी। और भारत जो है सभी देशों के संविधान से कुछ कुछ लेके दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत ने अपना तैयार किया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत की जो संविधान है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, ये सारे चीज़ यहाँ पे। फिर अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब दिया जाता है, तो राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, यानी नेशनल ब्रेवरी अवार्ड, वो गणतंत्र दिवस के दिन दिया जाता है, यानी 26 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहा है 26 फरवरी को ही हम क्यों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं 26 जनवरी को, तो हम इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं बिकॉज इसी दिन जो है भारतीय संविधान को लागू किया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो गया। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय झंडा को किसने डिज़ाइन किया था, तो इसे जो है पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था, ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसी तरीके से है आपका यहाँ पे भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा था, तो राष्ट्रगान जो है आपका जन गण मन, उसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए। और गणतंत्र दिवस के दिन भी जो परेड की शुरुआत होती है वो आपको सबसे पहले राष्ट्रगान से होती है। फिर अगर हम बात करते हैं कि राष्ट्रगीत किसने लिखा था, तो राष्ट्रगीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन नंबर सी। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो भारत के का राष्ट्रीय अवकाश कौन है, तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती, और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, इन सभी दिन को जो है भारत के ये 3 राष्ट्रीय अवकाश माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। फिर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति कौन है अभी प्रेजेंट में, बिकॉज यहाँ पे जो है राष्ट्रपति ही झंडे को फहराएंगे ये सारे चीज़, तो भारत के राष्ट्रपति अभी हैं रामनाथ कोविंद। नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो वो प्रधानमंत्री हैं, जबकि राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और अमित शाह गृह मंत्री हैं। फिर अगर हम बात करते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद यहाँ के संविधान बनी, वहाँ के राष्ट्रपति भी बने, तो सबसे पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जबकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। उसी तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो आपके प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बन रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके और भी चीज़ आपको जानना ज़रूरी है वो आपको हमारे क्लासेस कब कब कौन सी क्लास चलती है यानी शेड्यूल आपको जानना ज़रूरी है, तो चलिए देख लेते हैं उस चीज़ को भी यहाँ पे। तो डेली के करेंट अफेयर्स के लिए आपको इस समय की वीडियो यानी 7 बजे सुबह नियुक्तियाँ या फिर रिसेंट में जो भी चल रही है उससे रिलेटेड, उसी तरीके से सामान्य ज्ञान के चैप्टर्स या MCQ या फिर कभी कभी इसी में रीजनिंग के वीडियो आपको 12:30 बजे दोपहर में, और मैथ्स की वीडियो या फिर इसी समय रीजनिंग की वीडियो 6 बजे शाम में मिलेगी। SPD के लिए यहाँ पे आपको अलग से चैनल क्रिएट किया गया है। SPD की करेंट अफेयर्स सुबह 8 बजे, सामान्य ज्ञान 11:30 बजे दोपहर, और सामान्य विज्ञान 7 बजे शाम, इसके लिए हमने आपको अलग से चैनल क्रिएट किया है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एग्ज़ाम प्रिपरेशन के नाम से आपके लिए यहाँ पर चैनल बना के दे दी गई है, आपको वहाँ पे जाके इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना है। उसके बाद आपको अगर इस तरीके से लिख दे यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशंस, यानी आपके पास नोटिफिकेशंस पहुँच जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा SPD का यहाँ पे सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर सभी यहाँ पे डेली आपको अपलोड किया जाता है। उसी तरीके से डेली के GK क्विज के लिए आपको अलग से चैनल क्रिएट किया गया है, बिकॉज क्विजेज लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसके लिए हमने आपको अलग से चैनल क्रिएट किया है नॉलेज मंत्रा GK क्विज। उसमें आपको इस तरीके की लोगो दिखेगी, आपको उस पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे आपको डेली GK क्विज भी मिलेगी। इसके अलावा आपको जिस किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।